नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की। 4% के आसपास की गिरावट यहां पर हुई है। 52 मिलियन शेयर्स यहां पर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि गिरावट के बाद आपका क्या डिसीजन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि मार्केट में क्रैश आएगा, क्या क्रैश की शुरुआत यहाँ से हो जाती है या नहीं, उसकी भी बात करेंगे। भेल में आगे स्ट्रेटजी होल्ड करें, बाय करें, सेल करें, सब कुछ बताएंगे। फिर टारगेट सब कुछ यहाँ पर बात होगी इन डिटेल। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें भेल की तो भेल में 71 रुपए का स्टॉक हो चुका है और 4% की गिरावट हुई। दो बड़े कारण है जिसकी वजह से आज गिरावट हुई है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो स्टॉक में गिरावट हुई, सबसे पहला रीजन रहा कि मार्केट इन्फ्लुएंस गिरावट रही है। मार्केट इन्फ्लुएंस गिरावट का मतलब यह है कि 5 से 6 सेशन में मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है और लगातार लाइफ टाइम हाई लगाया है निफ्टी 50 ने, मेटल में, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप बात करें निफ्टी बैंक ने भी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। आज भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, हालांकि ऐसा नहीं रहा कि लोअर एंड पर आकर के बंद हुआ है, बट यस मार्केट में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एक अच्छा हाई लगाया था 18600 के आसपास, आपका मार्केट गया है, आप देख सकते हैं 18604 का हाई लगाया मार्केट ने भी, बट क्लोजिंग जो आई है 18500 के आसपास आई है। गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग एक खतरे की निशानी हो जाती है कई बार, और यही बड़ा कारण है कि रिटेल ने जितना पैसा यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया है पिछले 3 से 4 महीनों में अराउंड 8 से 10 हजार करोड़ रुपए हर महीने यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से मार्केट में आ रहे हैं। वहीं पर FII और DII की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट करके वो लोग पैसा लगा रहे हैं, और यही कारण है कि रिटेल मार्केट को जहां लाइफ टाइम हाई के ऊपर आसपास लेकर के जा रहे हैं। FII FPI लगातार अपना प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए हैं। फिर की भी बात करें तो DII ने अराउंड 1700 करोड़ के आसपास का माल डंप किया बाजार में, वहीं पर 500 करोड़ के आसपास की खरीदारी FII ने जरूर की है नेट बाइंग में, बट यस अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट में कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी बरकरार करने की कोशिश DII और FII की लग रही है साफ तौर पर। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है स्पेसिफिकली छोटे स्टॉक्स में, ओवर बॉट स्टॉक्स में, यही बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से भेल में भी आज गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पहला कारण हमारा मार्केट इन्फ्लुएंस गिरावट रही। दूसरा कारण अगर आप देखें तो ये जो गैप यहाँ पर हुआ था वो गैप इस कैंडल के साथ फिल हुआ, जो कि काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ आया था हमारा और अच्छा खासा निकल चुका था। यहीं पर अगर आप देखते हैं तो स्लाइटली ओवरबॉट जोन में स्टॉक चला गया था और उसके बाद थोड़ा करेक्शन आना बनता भी है। जब भी ये गैप फिल होता है तो उसके बाद थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर होती है। गैप अप ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, वो प्रॉब्लम हो जाती है, और वहां से जब भी दोबारा से स्टॉक उस लेवल पर पहुंचता है तो वहां पर जो अपोजिट मूवमेंट होती है वो होना तय हो जाती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी टेक्निकल एरर रहा था प्योरली, और प्योरली टेक्निकल रीजन की वजह से स्टॉक में गिरावट हुई। तो दो बड़े कारण हैं जो कि एक्सटर्नल है, इंटरनल कोई भी रीजन देखने को नहीं मिलता है। तो भेल में अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो मैं बोलूंगा होल्ड करो। आप देखिए कि रीजन क्या है होल्ड करने के पीछे। आज की अगर आप खबर की बात करें तो आज मार्केट आपका पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। जैसा मैंने बोला कि जो भी स्टॉक्स आपके ओवरबॉट जोन में थे, टाटा ग्रुप्स के मोस्टली स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में थे, टाटा पावर, टाटा मोटर्स DVR, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, इन स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिली है। टाटा पावर, टाटा मोटर्स, DVR में 7% से ज्यादा की गिरावट आज के दिन में आई है। बट दैट डजंट मीन कि आप स्टॉक को डंप करना स्टार्ट कर दे, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे भेल हो, चाहे नालको हो, चाहे सेल हो आपके हाथ में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो मौके वाले स्टॉक्स हैं आपके सामने, जो पावर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो मेटल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो स्टॉक करेक्ट भले हो रहे हैं 2 से 3 दिनों के लिए, बट उनमें ही अभी रैली के दिन बनेंगे, उनमें ही अभी रैली बनेगी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय न्यूज आ रही है, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज आ रही है, खबरें आपके सामने प्योर हैं। भेल कंपनी कहाँ कहाँ पर काम करती है, लास्ट टाइम मैंने आपको कंपनी की वेबसाइट पर ले जा करके दिखाया था। भेल काम करती है पावर सेक्टर में, स्पेसिफिकली रिन्यूअल सेक्टर में, मेटल सेक्टर में काम करती है, इन्फ्लुएंस रहती है मेटल सेक्टर से काफी ज्यादा, वाटर में भी काम करती है थोड़ा बहुत। बट अगर आप 2 सेक्टर भी लेकर के चलते हैं यहाँ पर, रिन्यूअल्स का और मेटल्स का, क्या लगता है आपको कि मार्केट हमारा किस तरह से चल रहा है या किस तरह से रिएक्ट कर रहा है दोनों को ही खबरों को देख करके? इंडिया पावर क्राइसिस से जूझ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की बात करें पावर क्राइसिस से जूझ रहा है, पोर्टुगीज की बात करें वहां पावर क्राइसिस चल रहा है इस समय पे। तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इस समय पर जहां पावर क्राइसिस में है, वहीं पर अगर आप पावर सेक्टर के स्टॉक्स को डंप करना स्टार्ट करते हो तो क्या लगता है आप पैसा बना पाओगे स्टॉक मार्केट में? नहीं। डिमांड जहां पर है, जहां पर प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और लोगों के पास ऑल्टरनेटिव है रिन्यूएबल सेक्टर जहां पर भेल काम कर रहा है। मेटल्स में डिमांड बढ़ रही है, मेटल्स में लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चाइना दबाव में है, चाइना की बहुत सारी कंपनीज, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग कंपनीज हो गई या स्टील कंपनीज हो गई, वहां पर बंद हुई हैं क्योंकि उनको कार्बन एमिशन कम करना है।
ऐसे में अगर आप भेल को निकाल देते हो पोर्टफोलियो से, तो एक बड़ी गलती यहाँ पर आपसे हो जाएगी मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जिस तरह से डिमांड है, जिस तरह से प्राइस में तेजी आई है, भेल में थोड़ी करेक्शन जरूर हुई है, बट ये प्योरली ओवरबॉट करेक्शन था। यहाँ से अगर आप देखें इसे डेली चार्ट पर भी करके देखते हैं, तो डेली चार्ट भी आपको काफी ठीक दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सपोर्ट ले रहा था आपका, यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद थी, बट क्योंकि मार्केट प्रेशर था इस वजह से आज गिरावट यहाँ पर हुई है। सपोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर निकलना है, सब कुछ बात करें यहाँ पर सबसे पहले। तो देखिए रुकना तो है आपको, ये तो तय है। एक सपोर्ट आपका यहाँ पर था, वो ब्रेक हो चुका है। सेकंड सपोर्ट आपका अराउंड दिस पॉइंट है, यानी 66 के आसपास का सपोर्ट है। मार्केट के ऊपर बात है, इस समय पर मार्केट आपका पूरा चला रहा है, नालको को भी, सेल को भी, भेल को भी, और भी जितने भी स्टॉक्स रहे हैं आज गिरावट में ओवरबॉट जोन की वजह से, वो पैनिक सेलिंग आज बाजार में आई, जो इतने दिनों से यूट्यूब पर या बहुत सारी खबरों में आ रहा था कि मार्केट ओवरबॉट है और क्रैश होगा, लोगों ने इसको पैनिक सेलिंग में यहाँ पर बेच दिया। इंडिया विक्स में ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 66 का यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है आपके सामने, मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे आपके स्टॉक जाने की कोई उम्मीद करनी चाहिए। बट यस अगर आप डेली चार्ट में भी देखें, स्टॉक आपका ठीक ठाक करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे ओवरबॉट जोन से बाहर है। मैग्डी की बात करें तो मैग्डी आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में अभी भी है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, यानी बायर्स का कंट्रोल अभी भी है, बायर्स का कंट्रोल है। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि चार्ट एक तो बहुत अच्छा है आपका, दूसरा अगर आज आप 4% 5% 6% की गिरावट स्टॉक में हुई है, 7% की गिरावट मान लेते हैं, मार्केट करेक्ट हुआ हमारा 7% 8% की गिरावट हुई मार्केट में, 8% की गिरावट के बाद भी कितना वॉल्यूम आया है यहाँ पे, 58 मिलियन का वॉल्यूम आया है यहाँ पे, ठीक है, 58 मिलियन 8% की गिरावट। और अगर आप पिछले वॉल्यूम्स देखते हैं, पिछला वॉल्यूम 80 मिलियन 90 मिलियन के आसपास, उसके बाद 206 मिलियन के आसपास की खरीदारी, 56 मिलियन के आसपास का माल उठाया गया इस दिन, अगले दिन 300 मिलियन की खरीदारी, 65 मिलियन माल उठाया गया है अराउंड, उसके बाद देखेंगे 72 मिलियन खरीदारी ट्रेड हुआ है, 23 मिलियन 24 मिलियन के आसपास माल उठाया गया है, उसके बाद 68 मिलियन के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ, 19 मिलियन के आसपास का माल उठाया गया है। तो अगर आप देखते हैं खरीदारी की बात, तो खरीदारी में वॉल्यूम ज्यादा आता है, स्टॉक तेजी से बढ़ता है, वहीं पर जो डिलीवर्ड अमाउंट होता है वो भी काफी हाई रहता है आपके सामने। और अगर आज आपकी बात करें, गिरावट हुई है 8% के आसपास की, बट 58 मिलियन शेयर्स अगर आप यहां पर देखते हैं कि 58 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं, दैट मींस कि स्टॉक में आज गिरावट तो हुई है बट उतना वॉल्यूम नहीं आया है। इसका मतलब है कि डंपिंग तो खास तौर पे यहां पर नहीं हुआ, अगर स्टॉक में डंपिंग नहीं हुआ इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल करेक्शन है, मार्केट साइकिल है, जब भी इस तरह का मार्केट साइकिल है तो ये जल्दी से ग्रोथ भी करेगा, बाउंस बैक करेगा आपके स्टॉक, लिख के रख लीजिए इस बात को, होल्ड करके चलिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन की भी गिरावट होती है तो बेचने की गलती यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको 66 के आसपास का सपोर्ट आप लेकर के चलिए, यहाँ पे स्टॉक ठीक ठाक है, मोमेंटम में है, खबरें अच्छी है, इस खबरों के बेस पे आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। मार्केट की बात करें, मार्केट जब तक 15 के ऊपर है थोड़ा बहुत आप भरोसा कर सकते हैं बाजार पे, क्योंकि अभी ओवरबॉट जोन में है, गिरावट करेक्शन हो सकता है, बट वो क्रैश लाइक सिचुएशन जो बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि क्रैश होगा मार्केट से निकल लो, वो यहाँ पर शायद अभी नहीं आने वाला है, आएगा ये तय है कि आएगा, क्योंकि आईपीओ जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह से जो पैसा है वो डाइवर्ट हो रहा है दूसरे स्टॉक्स में, और ये जो छोटे स्टॉक्स है पहले भी चलते हुए कंपनीज है, ये अब पैसा ढूंढेंगी कहीं ना कहीं से, ऐसे में थोड़ा सा गिरावट होना तय है, करेक्शन होना तय है, और इसी को क्रैश लाइक सिचुएशन बोला जा रहा है यहाँ पे। बट आईपीओ जाने दीजिए, अभी 2 महीना 3 महीना 4 महीने 5 महीने भी मुझे लगता है कि मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई टच करता रहेगा, 20,000 तक निफ्टी 50 जाएगा आपका, उसके आसपास कहीं पे गिरावट हो सकती है, 8 से 10% मार्केट नीचे जाएगा, उस समय पे आपको थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, बट अभी के लिए होल्ड करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। भेल में 8% की गिरावट है, डोंट वरी, होल्ड कीजिए स्टॉक को, अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर करने की उम्मीद आपको करनी चाहिए, कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नली बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट हुई है, अगर इसमें हुई है तो पैनिक नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल आपका है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो थैंक यू।